छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह जी की शहादत दिवस पर विश्रामपुरी क्षेत्र के आदिवासी समाज के युवाओं द्वारा कोया बुक बैंक का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। विधायक संतराम नेताम ने फीता काटकर कोया बुक बैंक का उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में आदिवासी समाज प्रमुख और समाज के सदस्यों के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कोया बुक बैंक खोलने की प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिली? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम संतोष कोयतुर मरकाम है और मैं सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला प्रभारी नारायणपुर में अभी सामाजिक पद पर पदस्थ हूँ। ये विचार बहुत पहले आज से 15 साल तक एक ऐसा संगठन है जो एक विचारधारा के रूप में काम कर रहा है और वो लगातार हमारे बीच ऐसे उपलब्धि कर रहा था जिसको कोया भूमकाल क्रांति सेना के नाम से जानते हैं। और ये प्रेरणा जो हमें आज उसी के मंच और उसी विचारधारा मंच से आज हमें कोया बुक बैंक खोलने का जो अवसर मिला है वह उसी का देन है। और हमारा जो सोच हुआ कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम अपने ब्लॉक में स्थाई आज अपने समस्याओं को लेकर के अपने बच्चे के समस्याओं को लेकर के आज हम कोया बुक बैंक यहाँ शुभारंभ आज किए हैं। आज के इस आयोजन के संबंध में विस्तृत रूप से थोड़ा जानकारी देंगे। मैं संत नेताओं विधायक केशकाल और आज एक बहुत बड़ा काम हमारे विश्रामपुरी ब्लॉक में हुआ है। कोया बुक बैंक जो हमारा युवा प्रभाग के द्वारा इस क्षेत्र के इस एरिया के हमारे युवा साथियों के लिए बुक बैंक का खोला जाना हमारे जो क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ पर किसी भी समाज के द्वारा कोई भी हमारा युवा हमारा बेरोजगार यहाँ पर आके पढ़ सकते हैं और यूपीएससी पीएससी और भी कंपटीशन में वो भाग ले सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से पढ़ने वाले जो हमारे भाई और बहन जब जाएंगे यूपीएससी पीएससी में तो सिलेक्शन होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पर 1 लाख रुपया भी बुक के लिए दिया हूँ। और अभी जो हमारे भाई बहन चयन होकर आएंगे आईएएस आईपीएस बनेंगे उनके लिए प्रत्येक हमारे भाई बहन के लिए 1 लाख रुपया देने की मैंने घोषणा किया हूँ। और युवा प्रभाग के हमारे भाई बहनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक सोच उन्होंने एक बड़ा काम यहाँ पर किया है। ऐसा काम अगर हमारे युवाओं को ले अगर हर जगह हो तो ये हमारे शिक्षा के प्रति भी और हमारे बेरोजगारों को एक रोज़गार मिल जाएगा। ये बड़ा काम हुआ है जिसमें मैं आप सभी को भी आप लोग भी आए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस योजना में इस उद्देश्य को लेकर जो कार्यक्रम हुआ इसमें आपका जो सराहनीय सहयोग मिला इसके लिए हमारे पत्रकार संघ की ओर से भी हम आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत महाराज ऐसी देते रहिए और ये बड़ा काम इसके लिए आप प्रचार प्रसार भी कीजिए, बहुत बड़ा काम। कोंडा गांव से रुपेंद्र कोराम की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज। नमस्कार। और टीवी वन इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।